तो दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं फैमिली में। एड हमारी फैमिली में एक नए वैसे बिजी भी थे, तो अभी यहाँ पे मैं उठी की सीढ़ी खतरनाक है। आज हम दोएंगे गाय, कॉ मिल्किंग करेंगे। आज हम आए गाइस गाय दूने, और सबसे पहले हम इसकी जो बाय रजित बाय बुरे हाल हो गया ना दोस्तों मेरे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम, गुड मॉर्निंग क्या बड़े, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है, अभी टाइम हो रहा है 3:26 हो रहा है और हम लोग अभी जा रहे हैं घर, और अपनी ससुराल जा रही हूँ मैं। घर में खजल हो जाता है, कहाँ कौन से घर जा रही हूँ। तो अभी हम लोग इधर थोड़ा बहुत सा खा पी रहे थे और बस निकलना है अब, क्योंकि सुबह से दलजीत ने तो कुछ भी नहीं खाया था, मैंने तो खा लिया था ब्रेकफास्ट। आज बहुत ज़्यादा बिजी थे हम लोग, बहुत ही दिन भर भागम भाग रही, तो मैंने दिन से कुछ भी शूट नहीं किया। अभी मेरे को लगा कि चलो वीडियो शुरू कर देते, तो मैंने अभी वीडियो शुरू कर दिया, अभी हम निकलेंगे घर। तो चल रहे हैं, हाय गाइज। तो बस ये हमारे झोला झूले, चलो चले गाइज। अब हम जा रहे हैं घर, ये लड़की रहेगी अब 2 महीने घर में, ठीक चलो गाइज। और हाँ दोस्तों, आज मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगी, मतलब चलो रास्ते में दिखाऊंगी मैं उस चीज को आपको। पहले रूम जाऊंगी, रूम से सामान चुकूंगी और फिर निकलेंगे हम घर। दोस्तों अभी हम पहुंचे आधे रास्ते में, और मेरी शोल्डर, मेरी पीठ की पता क्या बैंड बज गई, क्योंकि गाइस मैं इतना ये भारी बस्ता, बैग बस्ता उठा रही हूँ, पूरे यहाँ से शोल्डर इतने दबने को लग गए। और अभी हम यहाँ पहुंचे, बहुत ही प्यारी सी जगह है। पहले तो हम आपको चाहेंगे कि हम आपको जगह दिखाए, रामपुर, हाँ रामपुर जूम करके दिखाओ, ये नहीं दिख रहा है, ये दिख रो सारे में इधर होके ये शॉप वगैरह लगी हुई है, लवी करके इतना सुंदर लग रहा है ना, मतलब जो मेरी आंखें देख देख रही है वो आप लोग नहीं देख पा रहे हो, मैं आपको कैमरे से नहीं दिखा पा रही हूँ। और गाइज मैं आपको कुछ और दिखा रही हूँ, आज मैं बात कर रही थी ना पहले, तो हमारी फैमिली में एड हमारी फैमिली में एक नया सखाराम आया हुआ है। सखाराम, सखाराम मैं इसको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि भिड़े ने भी अपने स्कूटर का नाम सखाराम रखा था, तो मैंने भी इसको ऐसे बोल दिया कि सखाराम, एक नया सखाराम मैं इसलिए इसको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे घर में एक सखाराम ऑलरेडी था, तो ये हमारा नया सखाराम है। तो ये हमने ना दिवाली टाइम ले लिया था, बट उस टाइम मैं घर में थी, दिवाली के लिए मैं अपने घर गई थी, तो मैं वापस तब मैं और दलजीत तो अब इतना वो है कि इनको व्लॉग व्लॉग बनाना, कोई नाराज भी हो गया था कि मेरी मतलब एब्सेंस में, हाँ तो इनको व्लॉग व्लॉग तो बनाने का वो होता नहीं है, तो उस वजह से मैं आपको दिखा भी नहीं पाई, और इतने दिनों से हम थोड़े से बिजी भी थे, तो अभी यहाँ पे हम ब्रेक लेने के लिए रुके थे, मैं सोच चलो ऐसे दिखा देना खुशी अपनी। चलिए दोस्तों चलते हैं, आ जाओ, मैं नहीं आ रही क्योंकि मैं इस बैग को नहीं उठा सकती गाइस, इतना भारी है, आप लोग वो सोच भी नहीं सकते कितना भारी है। तो ये मैं दिखाऊंगा आपको ना थोड़ी सी लवी लवी, ये देखो यहाँ से लेकर पूरा वहाँ आगे आधा पे, ओ भाई। तो दोस्तों अभी हम इधर आधे रास्ते में पहुंचे और यहाँ पे देखो किसी ने मतलब मस्त आग जलाई हुई है, और कोई है भी नहीं इधर अभी, तो मतलब ऐसे बोलूँ तो अच्छी लग रही है, लेकिन कई बार ना ऐसे जंगलों में अकेले आग लगा कर छोड़ कर जाने से ना ऐसे आग वगैरह मतलब आग वगैरह लगने का काफ़ी रिस्क होता है। इधर देखो पहले से आग लगी हुई है, तो फिर थोड़ा सा सेक लेते हैं पर, बट ऐसे छोड़ के मत जाया करो, जंगलों में हवा लगती है ना तो फिर ऐसे फैल जाती है सारे में आग। तो यहाँ से दलजीत देख रहे हैं अपने मामू का घर, यहाँ से दिखता है इनका ननिहाल है उधर, सारे घर मेरे मामा और मामा के, तो मामा और मामा के। अरे मेरे को ठंड नहीं लगेगा, लग रही है आपको ठंड है, अरे मेरे को नहीं लगेगा, तुमने बुलेट चलाना है, अरे नहीं लगेगी मेरे को। इतने बुरे हाल हो गए ना दोस्तों मेरे, पूरा सर्वाइकल से मतलब मैं क्या बोलूं। थोड़ी देर बैठ के हमने यहाँ हाथ वात से किया और फिर निकल पड़े हम लोग अपने घर के लिए, और रास्ते मुझे इतने क्यूट क्यूट से ये कुत्तों भी लेना, मेरा दिल खुश हो गया। इनु, इनु।
आधे रास्ते तक तो सड़क बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसके आगे चला हुआ था काम और इतना ज़्यादा, पहले ही बस बैग इतना भारी था और ऊपर से मुझे पैदल यात्रा भी करनी पड़ी बीच में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदा रोड था। बीच ज़्यादा नहीं था, बट दो तीन पॉइंट थे, बट बहुत ज़्यादा ख़राब थे। आप लोग देख सकते हो आगे इतना, इतनी मिट्टी, और मेरे नए वाइट शूज़ का जो कल्याण हुआ ना, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। दोस्तों तो अभी अभी घर पहुँचे और दलजीत जा रहे हैं अपने, इनके ये लोग जा रहे हैं बागा स्नान घूमी कर इनके फ्रेंड्स वगैरह। तो मैं पहले कपड़े चेंज करती हूँ, बाद में बात करती हूँ आपसे। हाय दोस्तों, इतनी मस्त वाली ठंडी है ना, मज़ा ही आ रहा है मेरे को तो। घर पहुंच के फिर मैं, मम्मा कर रही थी अपना थोड़ा बहुत सा काम, और मैं बाकी खाना वगैरह मम्मी ने सब कुछ बना के रखा था, बस चावल डालने के, तो मैं चावल डालने लग गई। और आजकल मेरे को एक नई आदत लगी हुई है ये कच्चे चावल खाने वाली, तो बस जब भी मौका मिलता है तो मैं कच्चे चावल खा ही लेती हूँ। वो भी आगे पीछे से सारे चल पर पूरी पलटन आ गई। अब यहाँ बैठे इसके पास ही सोया होता है। आज हम आए गाइस गाय धोने, और सबसे पहले हम इसकी, हमारी गाय है, ओह सॉरी अब ये कुछ कर रही है, ये इसकी बेबी है, तो ये इसकी बेबी है। सबसे पहले हम इसको दूध पिलाएंगे, फिर हम अपने लिए दूध निकालेंगे। तू कहाँ सोता है यार, तू कहाँ सोता है यार, गर्मी नहीं लगती तेरे को आजकल? तो ठीक है इसको, बट गर्मी में गर्मी लगेगी ना इसको। आज हम दोएंगे गाय, कॉ मिल्किंग करेंगे हम आज फर्स्ट टाइम जिंदगी में। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको मुंह के पास ही बांधना पड़ता है? ठीक है जी गाइस, बांधना बात करती पहले गाय दूध लेती हूँ। मैं उठ हो चुकी हूँ गाइस, इतनी दर्द हो रही है ना यहाँ पे इस वाली पॉइंट, बहुत मुश्किल है गाइस कॉ मिल्किंग करना भी, यहाँ पे इतनी दर्द हो रही है ना इस वाली पॉइंट पर, माता जी ने कमान संभाल लिया कि बस मैं ही करती हूँ। मम्मी की स्पीड ही खतरनाक है भाई, ये देखो कैसे सोया हुआ है। अगर इसको अकेले सुलाएंगी ना, अकेले नहीं सोता है ये, बाहर रहेगा अंदर आएगा ही नहीं। तो गाय, तो गाय वगैरह के सारे ही सो जाता है, अकेले तो सोता ही नहीं है। कैसे पी रही इनकी एक दोस्त चली गई गाइस, वो मुक्ति चली गई अब। चल नहीं, मुक्ति तो आगे वाली थी, दुखी चली गई। क्या अब दोनों को बोलूंगा सुखी दुखी? सब लोग सोने जा चुके हैं, मम्मी और मैं बैठे हुए मस्त, हम लोग थोड़ी बहुत सी मिठाई शिठाई खा रहे थे और ऐसे गप्पे शप्पे लड़ा रहे थे, अब सोने जाते हैं क्योंकि आज मेरी शोल्डर की बैंड बजी हुई है एकदम। वो अभी मैं आ गई हूँ सोने ही, कर्टन कुर्टन सारे बंद कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड है, हवा पता नहीं कहाँ कहाँ से घुस घुस के आ रही है ना, तो मेरे को काफी ठंड लग रही है। मैंने फेस वॉश वगैरह कर लिया। मेरे प्यारे प्रियो मित्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ। और हाँ यार, अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। बाबा शेयर रहने दो, शेयर करना अच्छा नहीं लगता, मैं खुद किसी की वीडियो शेयर नहीं करती। शेयर वो चीज़ करो या जो बहुत क्रिंज हुए, या जो बहुत ही मीम वाली वीडियो, या जो बहुत अच्छी वीडियो होगी, जो ऐसी बीच की वीडियो थी ना उनको कोई शेयर नहीं करता। ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय।